A diploma does not make you a chef. It makes you a person with a diploma. तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको डिग्री करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। कई सारे लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मुझे डिप्लोमा शुरू करना है, सर मैं क्या डिग्री करूं या डिप्लोमा करूं, सर मेरा डिग्री शुरू हो चुका है मगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, क्या मुझे डिप्लोमा करना चाहिए था। तो कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट उनका बेसिक जो है यही होता है कि उन्हें डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करना चाहिए। सो हेलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक फ्रेशर हैं, अभी अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हैं, अपना कॉलेज शुरू करने वाले हैं, या तो आप अपना ट्वेल्थ फिनिश करने के बाद होटल इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी में आना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिग्री करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। सो फटाफट से शुरू से लेकर आगे तक इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक डिप्लोमा करने के बाद, एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद एक शेफ, अच्छे शेफ बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। आप एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते, आप जस्ट एक शेफ बन सकते हैं जिसके पास एक डिप्लोमा है, एक सर्टिफिकेट रखा हुआ है। एक अच्छा शेफ बनने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोनों आपको सिखाए जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट के टाइम पे, आपके कॉलेज के टाइम पे, आपके स्कूलिंग के टाइम पे, आपको दोनों चीजें सिखाई जाती है। थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है, जहां पर आपको पता चलता है कि होटल इंडस्ट्री है क्या। थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको पता चलता है कि ट्रेनिंग में क्या क्या किया जाता है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको वहाँ से दिया जाता है, आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल किया जाता है, तो तब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। तो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का थोड़ा सा आपको ज्ञान होता है स्कूल टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, पर जो एक्सपीरियंस, जो मेन एक्सपीरियंस है, मेन ट्रेनिंग है जो होना चाहिए, वो आपको कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। मेरे हिसाब से आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो नॉलेज दी जाती है कॉलेज टाइम पे, वो सिर्फ और सिर्फ 25% होती है। 75% आपको खुद एक्सपीरियंस लेके, ट्रेनिंग्स लेके आपको खुद सीखना पड़ता है। क्यूलिनरी आर्ट में एक डिप्लोमा करने से, एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करने से आप एक शेफ तो बन सकते हैं, मगर उसी के साथ साथ अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, एक डिग्री कोर्स करते हैं 3 साल का 4 साल का, तो आपके पास खूब सारी अपॉर्चुनिटी आएगी सक्सेस होने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, अच्छा एक्सपीरियंस पाने के लिए। डिप्लोमा डिग्री करने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज से, एक रेपुटेटेड कॉलेज से आप अपना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे छोटे मोटे कॉलेज हो चुके हैं, डिप्लोमा कराते हैं, 6 महीने का कराते हैं, 1 साल का कराते हैं, 1.5 साल का कराते हैं, कई सारे कॉलेज खुल चुके हैं। तो आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा एक रेपुटेटेड कॉलेज, जहाँ से आप अच्छे से अपना डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप करना चाहते हैं वो करके आपके जो जॉब लगने के चांसेस होंगे वो कई ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रेपुटेटेड कॉलेज हो, माना जाना कॉलेज हो, जहाँ से आप अपना कोर्स कर रहे हैं। एक डिग्री कोर्स होटल मैनेजमेंट में करने से आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई सारे चांसेस मिलते हैं एक्सपीरियंस लेने के, या कई सारे चांसेस मिलते हैं एक लग्जरी होटल में, एक लग्जरी कैटरिंग कंपनी में, या एक चेन रेस्टोरेंट में आपकी जॉब लगने के साथ साथ आपको 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पर आपको कई सारी नॉलेज होती है। कई बड़े बड़े होटलों में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर आपको कई सारी बेसिक नॉलेज हो जाती है। देखो, मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यह रहेगा कि आप एक डिग्री कोर्स करो अच्छा खासा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, और उसके बाद चांसेस बहुत ज्यादा होंगे जॉब लगने के, एक्सपीरियंस वाले, जहां पर आपको क्या करना चाहिए, आप डिग्री कोर्स करने के बाद आप एक डिशवॉशर में काम करिए या एक कॉमी 3 छोटे लेवल में काम करिए, वहां से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ऊपर जाने का, वो बहुत ही तगड़ा होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। आप अगर सीधा हाई लेवल पे जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कई सारी होती है गाइज, आपको सैनिटाइजेशन के बारे में, परचेजिंग के बारे में, आपको केमिकल्स के बारे में, स्टीवर्डिंग के बारे में, आपको अपने शेफ्स के बारे में, कुकिंग प्रिपरेशन के बारे में कई सारी नॉलेज आपको लेनी होती है, जो कि आपको स्कूल टाइम पे, आपके कॉलेज के टाइम पे नहीं सिखाई जाती है। अगर आप बड़ी पोस्ट पे जाते हैं सीधा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद आपको अपने सीनियर्स को जवाब देना पड़ेगा। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शुरुआत में ले लेंगे, उतना ही आपको जवाब देना पड़ेगा अपने सीनियर्स को। अगर कोई भी गलती हो गई तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपको जॉब से निकालने की। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना डिग्री कोर्स करिए, डिग्री कोर्स करने के बाद एक छोटे से लेवल से काम स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको एकदम बेसिक से शुरुआत करिए अपनी, एकदम बेसिक से आपको नॉलेज होगी, तो ही आपका जो नॉलेज है आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, और वहीं से जो आपका फ्यूचर है वो सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, और आपको जो आने वाला एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले टाइम में आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज रहेगी, तो आपको इजी रहेगा आगे बढ़ने के लिए। आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं, अपने सीनियर्स को किसी भी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो, कोई भी प्रैक्टिकल अगर हो रहा है तो आपको बेसिक नॉलेज रहेगी, तो आप उस प्रैक्टिकल को आराम से कर सकते हो।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर डिग्री कोर्स करते हैं या आपने कर लिया है तो आप सीधा हाई लेवल पे मत जाइए कि मैंने 4 लाख रुपए लगाए, मैंने 5 लाख रुपए लगाए अपने डिग्री कोर्स पे और मैं सिर्फ 10,000 की नौकरी करूंगा, मैं सिर्फ 20,000 की नौकरी करूंगा, ऐसा मत सोचिए। अगर आप सोचने वाले हैं, अगर आप सोच रहे हैं या आपने कभी सोचा है, तो शुरुआत करिए छोटे से और उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा करके आपकी गलतियों से एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपका बाद में फ़ायदा होगा। आपको बाद में पता चलेगा कि आपने जो नीचे शुरुआत करी है उसका फ़ायदा क्या हुआ। छोटे शुरुआत करिए, सब कुछ सारा एक्सपीरियंस लीजिए जितना ले सकते हैं, जितना राइट डाउन आप कर सकते हैं, जो भी पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हैं सब कुछ राइट डाउन करिए। कई सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं वो अपने सीनियर से पूछिए, सारा एक्सपीरियंस लीजिए छोटे लेवल पे जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि एक बार आपका लेवल बढ़ गया तो उसके बाद आप नीचे नहीं, आप ऊपर देखोगे, आप आगे देखोगे। दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। शुरुआत में हर कोई पैसे के बारे में सोचता है, शुरुआत में हर कोई सोचता है कि मैंने तो इतने बड़े बड़े कोर्स करे हैं, मेरी इतनी सैलरी होनी चाहिए, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको कि शुरुआत के जो 5 साल है बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, जस्ट अपने काम पर फोकस रखिए, अपने एक्सपीरियंस पर फोकस रखिए। अगर आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। जहाँ पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा वो एक्सपीरियंस आपके हाथ से निकल जाएगा, जितना आपको नॉलेज गेन करनी होगी वो नॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगी। वर्क हार्ड स्टडी हार्ड एंड यू कैन बिकम सक्सेसफुल। मैं तो बोलता हूँ आप लोगों के कि अपना एक मेंटर चूज करिए, उपदेशक चूज करिए, जो आपको बता पाए फ्यूचर के बारे में, जो आपको एक्सपीरियंस के बारे में बता पाए, जिसके पास अपना एक्सपीरियंस हो, जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सके, आप एक मेंटर चूज करिए और उससे सारे एक्सपीरियंस लीजिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करिए, सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा, सबसे फायदेमंद जो है आपके लिए रहेगा कि आप एक मेंटर चूज करिए जो आपको आपका फ्यूचर दिखाएगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। सो गाइस, डिप्लोमा और डिग्री में होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, दो बातों को हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप डिप्लोमा चूज कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा है, तो आप डिग्री ही चूज करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिग्री चूज करिए, क्योंकि डिग्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे होटल में, कई होटलों में कई ट्रेनिंग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया से, और वो सारे जो है डिग्री कोर्स कर रहे होते हैं 3 साल के 4 साल के, और उनको जो है अब्रॉड भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जब वो ट्रेनिंग फिनिश कर देते हैं तो उनको जो है होटल वाले ऑफर करते हैं कि आप यहीं पर रुक जाइए, हम आपको जॉब दिलाते हैं। तो एब्रॉड में जॉब लगना बहुत इजी है, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज के थ्रू आ रहे हैं तो बहुत इजी हो जाता है, आपको वैसे ही ऑफर किया जाता है जॉब। बस जैसे आप अपनी ट्रेनिंग फिनिश करते हैं तो आपको इजीली से बोला जाता है कि मतलब आप यहीं भी रुक जाइए, क्योंकि आपकी जान पहचान आती है, आपको जान लेते हैं कि हाँ कितना हार्डवर्क करने वाला बंदा है, हाँ इसको कितनी नॉलेज है, हाँ इसको सब कुछ पता है हमारे होटल के बारे में, तो इसको हम रख सकते हैं, इसको हम जॉब दिला सकते हैं। बेटर है आप डिग्री करिए, क्योंकि डिप्लोमा में ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, आपको एब्रॉड नहीं भेजा जाएगा, आपको लग्जरी होटल 5 स्टार होटलों में काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे लगाया जाएगा, बट डिग्री में आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि है देसी ब्लॉगर, और सभी की मैं रिप्लाई करता हूँ। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं कि वो कौन से 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।